काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे अकाउंट क्या है और ये अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है, साथ ही अकाउंट की परिभाषा भी बताई थी। पर अकाउंट्स के प्रकार समझने के पहले हमें ऐसा लगता है कि अकाउंट की परिभाषा आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता दें। तो पहले हम ये समझते हैं कि खाता क्या होता है। जब किसी व्यक्ति विशेष वस्तु सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे उसका खाता यानी अकाउंट कहते हैं। किसी भी खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड यानी नाम पक्ष और क्रेडिट साइड यानी जमा पक्ष। डेबिट साइड बाईं तरफ होता है और क्रेडिट साइड दाईं तरफ होता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने राम से 1,00,000 रुपए उधार लिए और टुकड़ों में उसे वापस चुका दिए। देखिए, राम का खाता कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हमें राम से रुपए प्राप्त हुए हैं तो हमने उन्हें क्रेडिट साइड में लिखा है और जब हमने राम को रुपए वापस किए हैं तो उन्हें डेबिट साइड में लिखा है। खाते तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट्स। व्यक्ति, संस्था या उनके प्रतिनिधि से संबंधित खातों को व्यक्तिगत खाते कहते हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक या स्वाभाविक खाते यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। सृष्टि के सृजन के द्वारा व्यक्ति बना है, ये प्रकृति प्रदत्त है, अतः सभी व्यक्तियों के नाम से संबंधित खाते जैसे राम, श्याम, मोहन, व्यापार के स्वामी का पूंजी खाता इत्यादि खाते इसी श्रेणी में आएंगे। दूसरा है कृत्रिम खाते यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। कृत्रिम खातों में व्यवसाय से जुड़ी हुई निगम और संस्थाओं से संबंधित खाते आते हैं, जैसे बीमा, बैंक, व्यापारिक संस्था, सभी लेनदार और देनदार इत्यादि। तीसरा है प्रतिनिधित्व खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। प्रतिनिधित्व खाते व्यक्ति या समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अदत्त यानी आउटस्टैंडिंग वेतन का खाता, जो उस कर्मचारी के खाते का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी सैलरी ड्यू हो चुकी है, यानी देना थी पर दी नहीं गई, सिर्फ उसका प्रोविजन कर लिया गया है। ये तो हमने बात की पर्सनल अकाउंट्स की। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार के खाते, जिनको हम कहते हैं रियल अकाउंट्स यानी वास्तविक खाते। ऐसे खाते जो अधिकार और संपत्ति से संबंधित होते हैं वास्तविक खाते कहलाते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, मूर्त खाते यानी टेंजिबल रियल अकाउंट्स। जिन संपत्तियों को छुआ जा सके उन्हें मूर्त संपत्ति कहते हैं और इनके खातों को मूर्त खाते, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट इत्यादि। दूसरा है इसमें अमूर्त खाते यानी इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। जिन संपत्तियों को छुआ न जा सके उन्हें अमूर्त संपत्तियां कहते हैं और इनके खातों को अमूर्त खाते, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स इत्यादि। तीसरे टाइप के खाते हैं नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट्स। ऐसे खाते जो इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस से संबंधित होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस अकाउंट इत्यादि। इस तरह के खातों की अवधि मात्र 1 वर्ष रहती है। वर्ष के अंत में इस तरह के सभी खातों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपने जाना कि अकाउंट क्या है और अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हैं।